जिनको कुछ नहीं समझता वो भी ज्ञान देके जाते थे। समझ में आ रही बात? आप समझ रहे हो, मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, राइट। तो होता है ना कभी कभी, हमारा जो छोटा भाई आता फाउंडेशन में, हम फाइनल में, छोटा भाई आता फाउंडेशन में, छोटे भाई क्या कर रहे थे तुम, तू है ना एक काम कर, अभी ना दिन में 4 घंटे पढ़ा कर, फाउंडेशन वाला तुमको बोल के जाता और कुछ नहीं, तो नहीं तुमको ऐसा फील होता है? अच्छा बाप को सिखाएगा तू। अच्छा जो हमारे भाई बहन ना इस कोर्स में है ही नहीं, मतलब जिनका जीवन बहुत सुखी है, समझ रहे हो, जिनका जीवन वो, मतलब आप उनको कभी मस्ते हुए देखोगे ना, पढ़ाई करना बे, वो आप बोले कुत्ते 40 लाले, बेइज्जती सा फील होता है मालूम, कुत्ते 40 लाले बेइज्जती सा फील होता है जीवन के अंदर में, राइट। बट ठीक है, ये दिन भी चले जाएंगे। यस, एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी बोलता हूँ, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होगा आप लोग का। देखिए क्या था, एक राजा था, ठीक है, छोटा सा, एकदम बहुत छोटा सा मोटिवेशन है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज है लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए। देखिए एक राजा था, राइट, ये राजा जो था उसके पास सब कुछ था, उसके पास सब कुछ था, धीरे धीरे उसके पास से सब कुछ जाने लगा। तुम 11th में थे, तुम्हारे पास सब कुछ था, अच्छे मार्क्स आते थे, अच्छे परसेंट आते थे। स्टोरी को इस तरह से कोरिलेट करो, वो राजा हो तुम, ठीक है, इस स्टोरी में राजा कौन हो तुम। तो एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धीरे धीरे उसके पास से सब जाने लगा, उसके राजपाट जाने लगा, उसके ऐशो आराम जाने लगे, उसके दोस्त मित्र यार दुश्मन बनने लगे, लोग जो थे उसके रानी भी आएगी, ठीक है, जो उसके चाहने वाले थे वो उससे दूर हो गए, जो उसकी इच्छाएं थी अब वो उसका मन नहीं करता था कुछ भी करने का, कुछ रानी थी या जिसको चाह थी वो भी चली गई, ठीक है। परेशान हो गया, जंगल में गया, बोले यार थोड़ा सुकून चाहिए लाइफ में, जंगल में गया। जंगल में एक ऋषि मिले, जंगल के भगवान मिले, एक ऋषि मिले। ऋषि ने उसकी पूरी 1-2 घंटे तक की पूरी दास्ता सुनी कि मैं फाउंडेशन में ऐसा था, मैं बहुत अच्छा था, इंटर में मैं ऐसा था, फिर ऐसे पास, फिर फाइनल में आया, फिर इसके आर्टिकल चिप कर रहे। अच्छा एक तो क्या होता है, आर्टिकल चिप जितने लोग कर रहे हैं ना उनका सबका एक पॉइंट कॉमन है, मेरा फॉर्म सबसे खराब, दुनिया का सबसे खराब फॉर्म में मेरे को एंट्री मिली है। जिसने भी ये फॉर्म बोला था ना सारा मिल जाए, कहीं मर्डर करेगा मैं उसका। तो महाराज पूरी बात सुनते हैं, वो महाराज हूं मैं, महाराज पूरी बात सुनते हैं, समझते हैं। महाराज बोलते रुक मैं तेरे लिए कुछ लाया हूं। महाराज 2 ताबीज लाते हैं और ताबीज के अंदर में ना कुछ लिख देते हैं, ताबीज के अंदर कुछ लिख देते और राजा कहते हैं, राजा को कहते हैं, हे राजा सुनो, ये ताबीज तब खोलना, जब पहला ताबीज तब खोलना जब तुम्हारी जान पे बनाए, जब तुम्हारी जान पे बनाए, मतलब तुम एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हो और अब बस या तो तुम इसे छोड़ने वाले हो या तो तुम छोड़ने वाले हो, या तो तुम इसे छोड़ने वाले हो या तो छोड़ने वाले हो, पहला ताबीज तब खुलेगा, बड़े ध्यान से सुनना। और दूसरा ताबीज तब खोलना जब तुम्हारा सब कुछ सही हो, जब तुम अपने पीक पे हो, चरम पे हो और तुमको ऐसा लगे कि बस मैं ही भगवान है। राजा प्रणाम करता आगे बढ़ जाता, आगे बढ़ते वक्त उसको भयानक तकलीफ आती, चारों तरफ से उसकी पूरी सेना चल जाती, जितने पैसे थे सब चले जाते, हर तरफ से हार का सामना, स्ट्रेस, मेंटल पीस चले जाता, तबीयत खराब होने लग जाती, तबीयत डिप्रेशन हर तरफ से आने लग गई तकलीफ। और एक टाइम ऐसा आता कि बस उसको मारने ही वाले हैं, तब उसको याद आता ताबीज नंबर 1 ओपन करना है। वो ताबीज नंबर 1 ओपन करता, अंदर लिखा होता समय है गुजर जाएगा, क्या लिखा होता, समय है गुजर जाएगा फिर से मेहनत कर, समय है गुजर जाएगा फिर से मेहनत कर। राजा को मोटिवेशन आता कि ठीक है यार, महाराज ने बोला है समय है गुजर जाएगा, ठीक है ये विपदा है मैं फिर से मेहनत करूंगा। राजा मेहनत करता, समाओ वहां से निकलता, अपना नया राज्य बसाता, सब कुछ बेहतर हो जाता, सब बेहतरीन। इंटर में कभी अगर तुम फेल हुए तो सोचो यही सिचुएशन थी, बराबर, फिर से तुमने मेहनत करी, तुम फिर से वापस रिट्रैक पे आए,
तुम फिर से वापस से उस जगह को उठने के लिए आए, सोचो अगर तुमको कितनों को अटेम्प्ट लगाया इंटर में, हाथ उठाओ जल्दी से। यस, इंटर में अटेम्प्ट लगाया, बिलीव मी एक पॉइंट ऐसा नहीं था जब तुम इस कोर्स को छोड़ के जाने वाले थे। यस, छोड़ना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। यस, फिर तुमने सोचा यार एक अटेम्प्ट और दे दूं, होगा, सब ठीक होगा। तुमने दिया, तुमने क्रैक किया, संभव तुम आगे बढ़े, तुम्हारे पास सब कुछ है। फाइनल में आज की स्थिति में देखो तो तुम इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं हो। तो राजा के पास भी सब कुछ आया वापस, प्रजा आई, अच्छे लोग आए, प्यार करने वाले आए, सपोर्ट करने वाले आए, उनको अच्छा देखने वाले आए, और राजा अपने बेस्ट आइज में था। राजा ने बोला मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने बहुत अच्छे टाइम में चल रहा हूँ, मेरा अटेम्प्ट भी आने वाला है, CA भी बन जाऊं, सब सब बेहतरीन चल रहा। तब उसको याद रहता एक और तावीज था, अपने सबसे बेहतरीन टाइम में खोलना था। तावीज नंबर, वो बोलता चलो आज इसे खोला जाए, यह है आपकी आज की परिस्थिति। ये तावीज खोला और तावीज के अंदर पता है क्या है लिखा था, ये समय भी गुजर जाएगा, मेहनत कर ले। ये समय भी गुजर जाएगा, मेहनत कर ले। क्या सीखने को मिला? द जर्नी इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, द जर्नी इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये कभी तुम्हें बहुत लोज दिखाएंगे, ये कभी तुम्हें बहुत हाईज दिखाएंगे। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जर्नी, बट वॉट मस्ट यू मस्ट नो एट एनी टाइम, ऑन योर कंप्लीट लोज एंड ऑन योर कंप्लीट हाईज, तुमने अगर मेहनत नहीं की तो बेटा क्या है, समय है, ये समय गुजर जाएगा। हर घड़ी जो नीचे जा रही है वो कभी ना कभी वापस ऊपर भी आ रही है, समझ आ रही है बात? तो अगर तुम बहुत ज्यादा मस्ती में हो ना बेटा, और तुम्हारा अटेम्प्ट आ रहा है May, June 23 या November, December 23 एज द केस में भी, और तुम बहुत ज्यादा मस्ती में हो, तुमको अभी तक ऐसा लग रहा है हाँ हम तो फाइनल में हम तो निकाल ही लेंगे, जो गलती तुमने अपने लोज में की है वो गलती अपने हाइज में मत करो, समझ आ रही है बात? क्योंकि ये समय है, ये क्या हो जाएगा बेटा, गुजर जाएगा, और फिर से वापस लोज में तुम आ नहीं पाओगे। और मैं पता है तुमको, तुम जब तक इंटर में थे ना तब तक तुम्हारे लोज लॉजिकल थे, संभाल लेते थे, तुम्हारा एज भी उतना नहीं था। आज तुम्हारे साथ सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है, बीइंग इनटू फाइनल ना, सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या होता है, एज। साला अपने एज के लोग जो इन कोर्सेज को नहीं कर रहे ना, अपना कंपैरिजन घर वाले उनसे करते हैं, वो कहीं ना कहीं सेट हो गए, कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, किसी ने कुछ अच्छा नाम भी कर लिया है, हमारे साथ तकलीफ क्या है, हम कुछ नहीं कर रहे और आज तक हम घर वालों के पैसों पे हैं। कम ऑन, एक्सेप्ट दिस। हमको जितना आर्टिकल चिप में मिलता है वो उतना है ही नहीं, यू नो, थोड़ा बहुत भी अगर ढंग के मिलता तो हम मान लेते कि प्राप्त है तो पर्याप्त है ना, हमको प्राप्त भी नहीं और पर्याप्त तो है ही नहीं, बराबर। दूसरी बात क्या है, हमारा हेल्थ। आप सोच के देखिए हम इस तरीके की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप सोचो ना तुम कौन सी लाइफस्टाइल जी रहे हो। लॉजिकली तुम फाइनल में हो, रोज सुबह झक मार के तुम्हारी नींद 6 बजे खुलती, वो नींद नहीं खुलती, झटका है, समझ में आ रही? तुम झटके में उठते हो, याद करके देखो, कभी गलत नहीं बोल रहा हूं, बड़ा भाई बोल रहा हूं कि तुम झटके में उठते हो, तुम नींद से खुलते नहीं है, तो शिट झटके में उठ रहे हो। झटका किसका, क्लाइंट किसके, बॉस के, परेशान कौन है तुम? क्लाइंट किसके, बॉस के, परेशान कौन बैठा है तुम? परिवार वाले तुमसे उम्मीद छोड़ चुके हैं, मेरी बात समझ, ठीक है? कईयों के तो घर पे भी बोल चुके, सोने तो आता काहे को आता, वहीं रहे, ठीक है? तुमको बाकी कोई लाइफस्टाइल बची नहीं, पार्टी। मैं बताऊं तुम्हारी हाल फिलहाल की परिस्थिति क्या है, तुम्हारी परिस्थिति है, इनफैक्ट अगर किसी शादी, पहले बात तो तुम शादी फंक्शन वगैरह में जाते ही नहीं, वहां मिल जाते एक सड़ू से अंकल जो बोलते कौन से कॉलेज से CA कर रहे तेरी, ठीक है? कोई ना कोई फिर पूछ लेता गधे का बच्चा कितने अटेम्प्ट लगे तेरे को, और कुछ नहीं तो अपने बच्चों को लाके हमारे सामने खड़े कर देते, इसको भी CA करना है, कुछ बताना, तुम्हारा दिल कहता है, सच बोल रहा हूँ, मता बता रहा हूँ, मेरी हालत देख ले साले, बता रहा हूँ मता, दीदी मुझे भी CA करना है, आपके जैसे फाइनल में आना है, मैं ही तो आके पछता रहा हूँ, तू कहेगा झंडू मुझे आपके जैसा बनना है, क्या करूँ, कौन सी क्लासेस लगाओ, इनर यू, कोई भी क्लास लगा, क्या फर्क पड़ने वाला है, समझ में तो तेरे घंटा नहीं आने वाला, तू लगा ले। और दीदी मेरा मतलब 97% आए थे, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाऊंगा ना, 98 4 अटेम्प्ट्स
ये होता है, ठीक है। तुम हर तरफ से परेशान हो, बराबर है, हर तरफ से परेशान हो, लेकिन बिलीव मी ये बहुत, देखो मैं हर लेक्चर के अंदर में ना शायद 5 मिनट या 10 मिनट तुमको जरूर मोटिवेशन देता हूँ। उसका लॉजिक सिर्फ ये है क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। ये जो फेल होने वाला प्रोसेस है और ये जो वापस से पास होने वाला प्रोसेस है ना, देख क्या होता है, इंटर लेवल तक के ना तेरे को वो फालतू वाला मोटिवेशन समझ में आता है, फाइनल लेवल पे तेरे को कोर चाहिए कि बॉस ये है, ये तेरे गोल्स है, राइट। और इन सब चीजों में ना तुम बहुत टूटते हो। फाइनल का बच्चे का साथ सबसे बड़ा तकलीफ ये है एज। एज के साथ साथ क्या होता है, वो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पाता क्योंकि घर वाले उसको समझने लगे। पप्पा जो होते हैं ना, पप्पा उसको समझ रहे 4 साल आगे, मम्मी तुमको समझ ही नहीं रही क्योंकि यहां तक कि मम्मी और तुम्हारा सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि बॉन्ड खत्म हो जाता है, दोस्त बचे नहीं। अब दोस्त वो है जो नोट्स दे दे, कम ऑन एक्सेप्ट दिस, क्योंकि बाकी सब दोस्तों को लगता है तुम फाइनल में पहुंच गए, तुम बड़े लोग हो गए, बहुत कमा रहे हो तुम, दोस्त तुम्हारे कोई बचे नहीं। तो ये सारी प्रोसेस के अंदर में तुम खुद की हॉबीज क्या होता है, ये तो रिज्यूम पे लिखते हैं ना सिर्फ, और वो भी किसी और का रिज्यूम लेना, नाम चेंज करना, उसकी हॉबी अपनी है, ये तो सिर्फ रिज्यूम पे लिखा जाता है ना, सही बात है कि नहीं है। यस इट हैपेंस, मस्ती नहीं करूं बट इट हैपेंस। मैं आप सबको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, समय गुजर जाएगा। यस तुम आज 6 साल बाद 7 साल बाद 10 साल बाद हम भी पलट के देखते ना जब हमारे टाइम को, तो हमको ऐसा लगता है कि यार बहुत भयानक प्रोसेस था जिससे हम गुजरे थे, लेकिन आज जब हम उस चीज को पलट के देखते हैं ना, बहुत अच्छा फील आता है यार, सच बता रहा हूँ। सर डिफरेंस कहाँ होगा लाइफ में, मैं आपको बताता हूँ कहाँ डिफरेंस होगा लाइफ में। डिफरेंस पता है कहाँ होगा लाइफ में, जब गर्मी पड़ेगी आप अपने घर में एसी लगाओगे या कूलर लगाओगे, दैट इज द डिफरेंस। आप जब शॉपिंग करने जाओगे तो तुम पहले प्राइस टैग देखोगे या तुम ब्रांड देखोगे, दैट इज द डिफरेंस। जब तुम ये सोचोगे ना कि मेरे को घूमने जाना है, राइट, तो तुम ये देखोगे कि मेरे को कितने दिन घूमने जाना है। जहां कोई दूसरा बंदा इसी टाइम पे जॉब करके आज मस्ती कर रहा होगा और तुम इधर बैठ करके मेहनत कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंस कहां आएगा। तुम अगली बार ना जब किसी होटल में जाओगे तो ये डिसाइड नहीं करोगे कि मैं राइट साइड देखूं, तुम डिसाइड करोगे मैं लेफ्ट साइड देखूं, इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। समझ में आ रही बात, राइट साइड इज द प्राइस टैग एंड लेफ्ट साइड इज द आइटम्स। तो यहां डिफरेंस आता है, तुम ये डिफरेंस मजा तुम्हें तब आएगा जब तुम्हारे नीचे 5 आर्टिकल बैठे होंगे और तुम बदला बदला ये चीज करोगे ना। सी हर एक को ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिलता, मेरी बात समझना, हर एक को ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिलता। आज तुम मुझे बताओ, तुम जब अपने बॉसेस को देखते हो, जहां पे भी तुम आर्टिकल चिप कर रहे हो, तुम अपने बॉसेस को देखते हो, डोंट यू थिंक सो ही इज फाइनेंशियली सो इंडिपेंडेंट, अगर उसको 5 दिन ऑफिस नहीं भी आना है वो नहीं आएगा। समझ आ रही बात, ये कोर्स ना तुम्हें ये चीज देता है, लेकिन वो चीज पाने के लिए ना अपनी ऐसी तैसी करानी पड़ती है, अपने आप को पूरा मिटाना पड़ता है और रीबिल्ड करना पड़ता है, और एक बार नहीं कई बार इस कोर्स में, क्योंकि जो सबसे बड़ा ब्रेकडाउन है ना वो यहाँ पे रिजल्ट नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा ब्रेकडाउन इमोशनल बैकग्राउंड है। सबसे ज्यादा जो तुम टूटते हो ना वो इमोशनली टूटते हो, क्योंकि क्या होता है इंटर तक के तुम्हारा रिजल्ट फेल आ जाए ना कहीं मम्मी पापा समझा लेते हैं। सर अब फाइनल में रिजल्ट अगर गलती से भी फेल आता है ना, घंटा कोई नहीं मिलता किसको समझाएं कि क्या चल रहा है, रो भी नहीं सकते भाई किसी के सामने, क्योंकि रोना नाम की चीज तो पहले ही खत्म कर चुके हैं, क्योंकि अब तक हम एक्सेप्ट कर चुके हैं ये कोर्स ही ऐसा है। समझ आ रही है बात, बट मैं आपको एक बात बहुत अश्योरेंस के साथ क्या बताऊं बोलूं आपको, दूसरे ना जो साल भर 365 दिन मेहनत करके कमाते हैं ना, वो तुम 1 महीने में छाप सकते हो और शायद 1 सीजन में भी। जो साल भर मेहनत करके कमाता है ना, तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारा बॉस, बिल तो तुम ही बनाते हो। समझ में आ रही है ना बात, दूसरे जो ना साल भर में कमाएंगे, मतलब दूसरे जो दूसरे कोर्सेज वाले होंगे जो साल भर में कमाएंगे ना, यू नो इट वेरी वेल कि तुम एक बार में कमाओगे, और जब तुम्हें उस टाइम पे मजे लेने हैं, डिफरेंस बस यही होता है कि जब तुम कोई होटल सिलेक्ट करोगे दैट विल बी अ ओयो और अ 5 स्टार, बिलीव मी फॉर एनीथिंग। पर्पस इज इररिलेवेंट, व्हाट इज रिलेवेंट इज तुम क्या बुक करोगे, मेरा बात समझ, ये डिफरेंस है, बाकी कहीं डिफरेंस नहीं आएगा। जब तू कार लेने जाएगा तो तू ये सोचेगा कि तेरे को ये छोटी मोटी कार लेने की है और यू कैन अफोर्ड अ BMW, बट मूड नहीं है। ये इंडिपेंडेंस जो है ना ये तुम में चाहिए, ये इंडिपेंडेंस तुम में चाहिए। यू कैन अफोर्ड अ BMW, मेरे को लेना क्यों, मूड नहीं है।
ये इंडिपेंडेंस तुमको चाहिए। मजा तुम्हारे को तुम्हारे लाइफ में तब आएगा जब तुम्हारे मम्मी पापा को यू नो लेकर के जाओगे किसी सलोन में, कौन से सलोन में चलना है, हाँ चलो इधर चलो कोई मतलब नहीं, और उनके हाथ में ऐसा कार्ड दोगे जो खरीदना है खरीदो, मैं इधर बैठ के रिटर्न फाइल कर रहा। एंड बिलीव मी आई हैव लिव्ड दिस मोमेंट। मैं मेरे मॉम डैड आए थे, मेरे मॉम डैड को वो पैवेलियन मॉल नहीं है, पैवेलियन मॉल में लेकर के गया मैं, उनको कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी। तो एक दिन यू नो मेरे मम्मी पापा नागपुर में रहते हैं तो वो पुणे में आए, और ऑब्वियसली मेरे क्लास चालू थे तो मैं उनको 3-4 दिन टाइम नहीं दे पाया। तो एक दिन ना मम्मी और पापा ने मेरे को इवनिंग में बोला, क्या यार बोले हम तो सोचे थे तू आएगा टाइम देगा थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कराएगा। मतलब आपको शॉपिंग करनी है, शॉपिंग वॉपिंग करा ना यार बोले, अभी ऐसे ऐसे पापा यू नो पापा आपको कई बार छेड़ते कुछ यार ऐसा लगना चाहिए सीए का बापू यार थोड़ा ऐसा मेरे को डैड ने बोला। मैं बोला हाँ चलो। तो मैंने लॉजिकली दूसरे दिन बैच को उनके कहने पे इवनिंग में मैंने ऑफ दिया और मैं उनको पैवेलियन लेकर के गया। एंड उस टाइम पे मेरे को कुछ ऑफिस के रिटर्न फाइलिंग्स करने थे। सो आई लिटरली, मेरे को वो मोमेंट इतना बेहतर लगा, मैं इसको बार बार रिकॉल करता हूँ, ऑलमोस्ट हर बैच में बोलता हूँ। मैंने ऐसा कार्ड निकाला और कार्ड उनके हाथ में दे दिया। मैंने बोला आप लोग शॉपिंग करके आओ, मैं इधर बैठा हूँ और मेरे को थोड़ा सा काम करना है और आप लोग शॉपिंग करो, आपको क्या चाहिए। मेरी मम्मी का इनोसेंस बिल्कुल अलग होता है, आप समझो। एक तो मम्मी पापा को अगर अपन पैसे दे देना खर्चा करने के लिए, उनसे उतने नहीं खर्चे, कभी देखा आपने ये बात? अपन उनको अगर पैसे दे देना खर्चा करने, ये लोग खर्चा ही नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने हमेशा अपने पे खर्चा किया है। उनको ऑब्जेक्टिव कभी ये था ही नहीं कि अपन उन पे खर्चा कर दे, मस्ती अलग बात है। तो मेरी मम्मी ने बोला इसमें कितने पैसे खर्चा कर लूं। दैट वॉज एन अमेरिकन सिल्वर प्लेटेड कार्ड, आप समझ रहे हैं इसका मीनिंग, अमेरिकन एक्सप्रेस का सिल्वर प्लेटेड कार्ड था वो जो मैंने मम्मी के हाथ में दिया। ऑब्वियसली उनको नहीं समझ रहा है क्या है, बट आप तो समझ रहे हैं ना ये क्या है उसका लिमिट कितना होता है तो मैंने उनको अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड दिया। अब वो मेरे से पूछ रहे हैं इसमें लिमिट कितनी है, मतलब मैं कितने खर्चा करूं। मैंने बोला आपको क्या क्या लेना है मम्मी। बोले मेरे को एक चप्पल लेनी है मम्मी खर्चे समझो। बोले मेरे को एक चप्पल लेनी है, मतलब ठीक है। और बोले एक गाउन लेना है, मैं पैवेलियन में गया और इनको लेना गाउन है, समझ आ रही है, तुलसी बाग के आइटम ये मेरे से पैवेलियन में मंग रहे। तीसरी चीज बोले पप्पा के लिए एक चश्मा लेना है, बोले वो जो स्पेक्स रोज पहनते हैं, और बोले जो पसंद आएगा मैं ले लूंगी, तू बताना कितने खर्चा करो। मैंने बोला मम्मी मेरी एक बात सुनो, ये कार्ड लेके जाओ और आपको जितनी चीज समझ आ रही ना बोला वो सब लेके आ जाओ। तो बोले इसमें पैसे कितने वो तो बता। मैंने बोला आप वो छोड़ो, आपको जो चाहिए वो लेके आ जाओ। देखिए मेरे को ये पूरे इंसिडेंट सिर्फ एक चीज के लिए याद है, क्योंकि इसके बाद जो उन्होंने कहा ना, क्या तो लेंगे यार हम, इतना तो उन्हें बोल दिया यही काफी है, ये जो स्टेटमेंट था ना, मेरे को ऐसा लगता है आई हैव दिस इज व्हाट आई हैव अर्न्ड। बाकी देखिए यार पैसे है ना, किसी के पास कुछ प्लस होंगे किसी के पास कुछ माइनस होंगे, डजंट मैटर, मेरे बात समझ तू। शायद किसी के पास कुछ प्लस होंगे, मैथमेटिकल गेम है, किसी के पास कुछ प्लस होंगे किसी के पास कुछ माइनस होंगे, लेकिन ये जो चीज है ना ऑफ अ प्राउड दैट योर मॉम एंड डैड आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है लाइफ में। एंड इसके बाद क्या हुआ पता है, मेरी मम्मी पापा एक घंटा घूमे, उनको घंटा कुछ समझ नहीं आया उस मॉल में, ठीक है। मेरी मम्मी घुसी उधर, वो जारा का शोरूम था, उधर जूते देखे, जूते 6,500 रुपए के, इमेजिन अपने मम्मी एंड पापा 6,500 का जूता। मेरे को आकर के बोलते मैं कॉफी पी रहा था, कॉफी है क्या, ला बता कितने की है कॉफी, उधर थी 350 की अपने मम्मी पापा है, समझना मेरी बात को, दे हैव ऑलवेज सीन थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, उनको ये प्राइस टैग्स नहीं समझ आते। तो बोले तू भी शॉपिंग के लिए इधर ही आता है, बोले मैं बोला हाँ मतलब अच्छा। मैं बोला आप लोगों ने क्या लिया, बोले कुछ नहीं, क्यों आपको चप्पल लेनी थी ना, पागल है 3,500 रुपए की चप्पल बोलते हो, दैट वाज स्केचर स्केचर का सादा चप्पल भी यार उतने का ही आता। मैंने बोला कौन सी चप्पल है बताओ, मैं गया बोला हाँ तो ले लो ना इसमें तकलीफ क्या, पागल है पप्पा पीछे से बहुत पैसे आ गए रे, यू नो हाउ डैड दे टॉक, और लड़कों से तो और ही थोड़े से अलग बात करते हैं पप्पा वगैरह, बहुत पैसे आए क्या तेरे पास, हाँ ज्यादा पैसे आ गए, 3,500 की चप्पल पहनना है तुम्हारा, कुछ नहीं पहना रखो, लेकर के निकल गए। एंड में उनने लिया है वो FC रोड वाले मेरा बात समझ, हाँ ये सही जगह है, वाजिब प्राइस है, क्वालिटी गई तेल लेने के लिए, मेरा बात समझना।
बराबर है। अब इनके मैटर क्या है, इनको इनके लिए लेना है, इनकी बहन के लिए लेना है, इनके इनके सब वो रिश्तेदारों के लिए लेना है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक है, ये जो चीज है ना कि तुम ये कर रहे हो, दैट इज द सोल गेम। तो इन प्रोसेस से ना इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत होंगे, और बहुत जगह तुमको ऐसा लगेगा कि साला छोड़ो यार, खत्म करो। बट मेरे भाई एक बात याद रख, ये लास्ट स्टेज है किसी भी प्रोसेस का, बिलीव मी, इसके बाद तू कुछ नहीं करेगा, इसके बाद तू सिर्फ साइन मारने वाला है। ये जितनी पढ़ाई है ना, ये सब अभी है, इसके बाद तेरे को भी पता है रियल लाइफ में क्या काम करता है ना। मैं हर बैच में बोलता हूँ, आपके बैच में भी बोलूंगा, अ गुड सी इज नॉट वन हु नोज द लॉ, अ गुड सी इज वन हु नोज द एओ। आपको सिर्फ पता होना चाहिए सॉल्यूशन कैसे निकलने वाला है, बाकी सब काम होते हैं, बाकी सब काम होते हैं। तो सर इतना कुछ है करने के लिए, आपने कभी भी ना, आई डोंट नो अबाउट द अदर प्रोफेशन, बट मैं आपको एक बात बताऊं, सीए सीएससीए में को आपने कभी खाली बैठे नहीं देखा होगा। काम इतना है मार्केट में, इतना काम है। तुमने कभी ऑब्जर्व किया तुम्हारे ऑफिसर्स में टेक्निकली फाइल लेना बंद हो चुकी है? नहीं लेते तुम्हारे ऑफिस में कोई नया फाइल, अनलेस एंड अंटिल इट्स अ बिगी, फाइल ही नहीं लेते। छोटे मोटे का तो फाइल ही नहीं लेते, काम ही नहीं करते, वो भी अकाउंटेंट को पकड़ा देते हैं तुम ही कर लो, टाइम ही नहीं है, काम बहुत है, राइट? थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी दोस्त, करना पड़ेगा, बट दैट्स हाउ प्रोसेस वर्क। तू ये नहीं बोल सकता कि मैं थक गया। मैं आपको बताता हूँ सर, रात में 8 बजे करीब नोटबंदी डिक्लेयर हुई थी, मैं भी ये बोल सकता था कि यू नो खत्म, अपना टाइम खत्म, शटर डाउन। पर उस टाइम पे दो तरीके के लोग थे, एक जिनको लगा नोटबंदी हो गई होगी, दूसरे तरीके के थे अपॉर्चुनिट्स, इससे भी पैसा बनेगा, समझ में आ रही बात? और अपन ठहरे मारवाड़ी, अपन तो क्या करते, अपन तो ये बोलते कोई गाली भी दे रहा है तो कुछ दे के जा रहा है, लेके तो नहीं जा रहा, समझ में आ रही बात? अपन उस टाइम निकले, 8 तारीख को कुछ नोटबंदी डिक्लेयर हुई थी साहब, 25 तारीख को मैंने मेरा घर लिया, आगे नहीं पूछना क्या हुआ। 8 तारीख को नोटबंदी डिक्लेयर हुई थी, 25 तारीख को मैंने मेरा घर लिया। बात बड़ी सिंपल थी, दिमाग में एक ही चीज थी कि अपन यहां पे आए सिर्फ एक ही चीज के लिए है। पहले दम लगा के क्या किया, पढ़ाई करी ना, अब दम लगा के छापने का, लॉजिक बड़े क्लियर है, समझ में आई बात? अभी तुम्हारा टाइम है दम लगा करके मेहनत करने का, एक टाइम आएगा दम लगा के छापोगे भी, सीजन आएगा मालूम, सीजन परेशान हो जाओगे। एंड मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, 6 साल बहुत हो गए, 6 साल बाद ना तुम खुद परेशान हो जाओगे कि पैसे का करो क्या, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। 6 से 7 साल बहुत हो गए, तुम खुद परेशान हो जाएंगे पैसे करूँ क्या, क्योंकि मेरी जितनी बेसिक जरूरत थी वो सब पूरी हो जाती 6 साल में। तुम सोच के देखो ना, तुम्हारी क्या इच्छा है, एक हाई एंड फोन होना, 1,50,000 एप्पल, तुम सोच के देखो, 1,50,000 एप्पल का लैपटॉप भी होना, 2 लाख रुपए और पकड़ लो, सारी एक्सेसरीज के साथ तुमने केबल भी परचेज कर लिया, 2 लाख, सोच के देखो तुम्हारा टोटल 2 लाख प्लस 1.5 लाख, एक कैलकुलेट करो, जब इतनी बातें हुई रही तो 3.5 लाख रुपए, और क्या चाहिए तुमको, ठीक है, शूज चाहिए 40,000 रुपए, 40,000 रुपए शूज, 50,000 पकड़ो, ठीक है, 50,000 की चप्पलें, 1 लाख और, ठीक है, 2 लाख के और सूट पकड़ो, तुमने सूट लिए, अच्छे कपड़े लिए, 2 लाख बहुत हो गए, 3 लाख पकड़ लो, चलो कितने हो गए, करो कैलकुलेट फटाफट, कितने हो गए, 5, ठीक है, परफ्यूम ले लिए 1 लाख के, 1 लाख के परफ्यूम, सुनो ना मेरी बात, अभी तुमको ये अजीब लग रहा है, बिलीव मी, मैं सब हाई एंड पे पकड़ रहा हूं, मैं सब हाई एंड पे पकड़ रहा हूं, मैं ये पकड़ रहा हूं, तुम शानाल का परफ्यूम यूज कर रहे हो, ठीक है, तुम गुची का परफ्यूम यूज करो, सब पकड़ो, ठीक है, 1 लाख और पकड़ लो, कितने हो गए, 6 लाख, और क्या चाहिए तुमको, एक स्पोर्ट्स बाइक 4 लाख ऐड कर लो, एक गाड़ी चाहिए BMW 50 लाख ऐड कर लो, बराबर, 50 लाख तो एक साथ लगने नहीं वाले, मैक्स टू मैक्स 2 लाख लगेंगे एक साथ, बाद में EMI में जो पे करोगे वो, ठीक है, 2 लाख पकड़ो उसके भी, गाड़ी के भी, 4 लाख की गाड़ी तुमने ले ली, हो कितने तक के पहुंचा मैटर, 10 या 12, हाँ, और क्या चाहिए, घर, घर के लिए 5 लाख पकड़ लो, बाद में जो EMI में जाएगा वो अलग, 5 लाख पकड़ लो, फिर एक फॉरेन टूर शादी से एक पहले 2 लाख, शादी के बाद 2,20,000, नहीं समझे तो पोगो, ठीक है, 2 लाख पकड़ लो फॉरेन टूर, बराबर, 15 लाख स्टार्टिंग पैकेज,
साथ कितने साल में पूरे हो रहे सपने? 2। ठीक है, और ये 7 लाख तो तब है जब तुमने कोई इधर उधर कोई दूसरा हाथ नहीं मारा, चुपचाप 9 बजे ऑफिस गए, शाम में 7 बजे आए। और अगर तुम में खुराफाती दिमाग है, 7 को 7 खींच के आते हैं, एक खादी BW का ट्रांजैक्शन करने का, ब्लैक एंड व्हाइट का, सब बिल्कुल बाकायदा पूरा सब आ जाता एक साथ, कितने साल लगे? 2 साल। 2 साल को 3 साल भी कर डालो और भी कुछ खर्चे होंगे तुम्हारे। भाई मेरे को पार्टी करने का, कभी जीवन में जाने को मौका नहीं मिला, सब पार्टी क्लब में जाऊंगा, 20,000 पर डे के हिसाब से, पुणे के 10 क्लब पकड़ लेने का, 20,000 पर डे का बिल के हिसाब से भी अगर तुमने कर दिया 10 क्लब का तो भी 2 लाख होते। 3 साल बहुत हो गए तुम्हारी जितनी बेसिक इच्छा है सब खत्म करने के लिए, 4 साल पकड़ लो। अबे 7 लाख का तो बेसिक पैकेज है, अगले 4 साल में 10% का भी इंक्रीमेंट मांगे तो तेरी इच्छा खत्म हो जाती। समझ आ रही है बात? इसलिए मैंने बोला 10 साल, मतलब 6-7 साल तो बहुत हो गए, उसके बाद तुम सोचोगे अबे पैसे आ रहे करूँ क्या, फिर क्या, फिर क्या करता आदमी? म्यूचुअल फंड ले ले, पॉलिसी ले ले। करोगे क्या पैसे का भी एक एंड के बाद? कुछ नहीं ना। और फिर तुम्हारे क्या बन रहे? इनकम तो आ रही, खर्चा, उसके बाद तुम इतने बिजी हो जाते कि पैसा तो है खर्चू किस पे भी। समझ आ रही बात? ये होगा, बिलीव मी ये होगा, थोड़ी सी मेहनत अभी लगेगी, बड़ी हो जाएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कैन, ये समय भी है, कैसा होगा बेटा? गुजर जाएगा, अभी मेहनत कर लो। तुम हाईज में हो तो वापस आ जाओ, लोज में भी हो डोंट वरी, ये समय है, क्या होगा बेटा? गुजर जाएगा। क्लियर? चलो आओ मेरे बच्चे। हाँ, 149 डन, 148 डन, 148 के आगे